जिसको मैं इंट्रोड्यूस करूं तो मेरा भी मेरा होता बने कि मैं किसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो आई थिंक उन्होंने टीम को बोल रखा था, तो टीम ने जो हमारा मतलब एक चयन किया उस एड के लिए, चाहे वो हमारे लुक्स थे चाहे हमारा वो डांसिंग था, लेकिन 15 सेकंड के अंदर हमने वो चीज प्रूव करके दिखाई। दैट टाइम ना टिकटॉक होता था ना इंस्टाग्राम होता था, याद से मैं 3 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जब टिकटॉक वगैरह इतने ज्यादा नहीं थे, तो सोचा हम तो तब भी काम कर चुके हैं और टैलेंट के बेस पर किसी टिकटॉक की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद भी हम लोगों को इतनी टेंशन थी ना कि शाहरुख सर का ऐड है, हमारे पास गलती का मौका है ही नहीं, गलती करने की जगह ही नहीं है। हमने 7 टेक के अंदर 15 सेकंड के ऐड फिनिश किया, जिसमें क्लोज मिड वाइड आप लोगों को तो अच्छे से पता है कि एक टेक लेने के लिए कितने एंगल से लेना पड़ता है, हमने एक भी टेक का रिटेक नहीं लिया। ऐसा जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि आप लोग का डांस इतना फेमस है, तो आपको कोई ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोग के ऑफर्स आए रहेंगे कि हमारी मूवी के लिए कोरियोग्राफ कर दो या कुछ डांस एक एक्टर को सिखा दो, ऐसे कभी कुछ हुआ आपके साथ? हाँ फॉर श्योर आते हैं और हम लोगों ने किए भी हैं। जब हम लोगों ने पहले इंडियाज़ गॉट टैलेंट किया था, उसके बाद हम लोगों को काफ़ी सारे ऑफर्स आए। हम मैंने मूवी भी असिस्ट की थी हीरो पंती, जिसमें वो वाला सॉन्ग था पप्पी सॉन्ग टाइगर श्रॉफ के साथ, और मैं हूँ हीरो तेरा वे सूरज पंचोली एंड आदर्श शेट्टी, तो वो गाना हम ही दोनों ने कोरियोग्राफ किया था। लेकिन उसके बाद हमें लगा कि हमारा जो ट्रैक है वो कुछ और है शायद। वो कहते हैं ना मुंबई में जब लोग नए नए लोग आते हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं थोड़ा, लेकिन हम लोग कंफ्यूज नहीं हुए। हमें पता था कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है, हमें एक परफॉर्मर बनना है, हम कैमरे के सामने वाले लोग हैं, कैमरे के पीछे वाले नहीं। तो हमें पता था कि जो हमारा फैशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारे जो डांसिंग स्किल्स है वो अच्छे हैं, हमें अपनी अच्छाई का खुद ही पता था कि हम लोग कैमरे के पीछे काम करने वालों में से ना, कैमरे के सामने काम करने वालों में से। तो उसके बाद हमें ऑफर्स आए, काफ़ी सारे एड्स ऑफर हुए, काफ़ी सारे रियलिटी शोज ऑफर हुए बैक टू बैक। So why to be like behind the camera? If we have that capability to be in the front of camera. बताओ ना, बहुत जरूरी कि आप क्या करना क्या है। वो एक तो offers काफी आए, अभी भी आते हैं, काफी बड़े-बड़े director producers हमें बोलते हैं कि आप हमारा काम choreograph करो, but नहीं, हम लोगों को performer बनने। तो मतलब that's why we good that। अच्छा, एक आपसे एक थोड़ा सा अलग flavor वाला सवाल, आप लोग काफी close friend हो राखी सावंत के, तो क्या आप लोग राखी के husband से मिले कि नहीं अमेरिका में? राखी जी ने हमारे साथ काफी देर देते, वो बात करते रहते हैं नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी। हम लोगों ने उनको वीडियो कॉल पे देखा, लेकिन साक्षात उनके दर्शन अभी हमें नहीं हुए, क्योंकि जिस दिन दर्शन होंगे तो मैं आरती की थाली लेके ऐसे खड़ा हूँ और ऐसे ऐसे करके फूल गिर रहा हूँ। फाइनली मीडिया से पहले हमने उनके पति के दर्शन कर लिए। लेकिन क्या ये आपके जरिए हम जानना चाहेंगे, क्या ये कंफर्म है उन्होंने शादी किया है, या फिर ये फिर कुछ 6 महीने 1 साल बाद फिर पता चला? देखो राखी के लिए तो मैं ही बोलूंगी ऑफ कोर्स शादी तो हो गई है, अब डिपेंड्स उनको उनका पति कब तक अच्छा लगता है, ये आप बस मैं आपको बता सकती हूँ। राखी है, वो सालों से मीडिया के ऊपर बॉम्ब पे बॉम्ब फोड़ती आई हैं, तो अभी भी कोई विस्फोट हो सकता है। तो यानी आप एक गेस्ट वर्क में छोड़ रहे हो, यानी कि यू आर नॉट आल्सो कंफर्म? एग्जैक्टली। थैंक यू। ये थे हमारे साथ प्रीति और ईशान, जो कि काफ़ी फेमस है, सेलिब्रिटी है और टिकटॉकर है, बहुत अच्छे डांसर भी है। इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और देखते आने वाले समय में इनके डांस और इनके न्यू सॉन्ग्स, शायद इनकी अभी मूवी भी आने वाली है, हमें बता नहीं रहे लगता, तो मूवीज तो देखेंगे हम। इनके फैंस से बस होप करते हैं कि ऐसी जुड़े रहिए ईशान और प्रीति के साथ।